since the camera guy didn't listen, he just walked up and he took away the camera. उन्होंने कैमरा में से उसका वो कैसेट निकाला और उसे तोड़ दिया। I think he was just building up the frustration and today just came out. जब हम लोग तैयार होने लगे, he fell asleep. He messed it up big time. रोहित, सब डर गए। रोहित को उठाने की कोशिश करी हमने, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। उसने कहा तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। I hope he gets well. जॉब में रोहित हमारे साथ नहीं आ पाया। हम लोग भी और इंतजार नहीं कर सकते थे उसका उतने तक। हम लोग गए ट्रैवलर में बैठे and we left for our job. हम एक स्पा पहुंचे, उसका नाम कैरेसा था। I was like, dude, spa again. When we entered, we saw our godfather, Mr. Rohit Shetty. Rohit Bajaj kahan hai? Bimar hai sir hamare. Kyun bhai? जब बेल तोड़ रहा था आप लोग कहाँ थे? हम सोए थे। आप लोग सो रहे थे। But आप लोगों को समझाना चाहिए था ना? सुशांत? It was just that the pent up thing वो बाहर आ रहा था उनका। क्या बाहर आ रहा था यार? अब तो एसी भी है, सब कुछ है। काफी frustrated है वो। उसका lifestyle थोड़ा different है। Limitations होती हैं यहाँ पे हमारे ऊपर, काफी हद तक। किस बात की? काफी सारी चीजों की। तो you know. जैसे? आप सिगरेट नहीं पी सकते, आप दारू नहीं पी सकते। ओरे बाप रे। मैं तो I was like मेरा ब्लड बॉयल हो रहा था कि मेरे बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। अब पता चला कि सिगरेट और दारू नहीं मिल रही इसलिए वो सो रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अब से आप लोग सबको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी आप में से एक इस तरह की अगर गड़बड़ करता है तो उसका हर जाना आप सबको भुगतना होगा। Alright guys, हमने जो गेम खेला था आपके साथ जहां हीना आपकी क्वीन थी, that was just a teaser for the real picture that is today. आज हम करेसा डे स्पा में हैं और यहां पे आपको कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को जो आपके कस्टमर्स होंगे उन्हें स्पा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो आज आप लोग सब यहाँ काम करेंगे, मैं आप लोगों को जॉब असाइन करूंगा। खाली एक नुकसान है आज आपके 10,000 का, क्योंकि आपका एक पार्टनर यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, आप लोग सिर्फ 70,000 कमा पाओगे। फैजान एंड अंजुशा, आप दोनों थेरेपिस्ट हो। फैजान बैक मसाज करोगे आप, अंजुशा फेस मसाज। हिना एंड सपना, आप दोनों मैनिक्योर और पेडिक्योर करोगे। एंड माय डियर सुशांत एंड साहिल, आप दोनों करेंगे द नोवल रोप मसाज व्हिच इज पेटेंटेड बाय द स्पा एक्सपर्ट मिस रेखा चौधरी। और नेहा, रोहित के फिजिकल एब्सेंस की भरपाई करेंगी आप, क्योंकि आप बनेंगी यहाँ की हाउसकीपर एंड दैट टू अलोन। आज आप लोगों को यहाँ सीखने मिलेगा डिग्निटी ऑफ लेबर। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, राइट सपना? ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर वर्क। थैंक यू। आई गॉट अगेन हाउसकीपिंग and I got very upset. मुझे लगा कि ये लोग शायद they underestimated me. उन्हें लगा कि शायद this is the only thing she can do. मेरे को back massage का काम मिला है basically. तो मैं लोगों को massage दे रहा हूँ उनकी back पे.
अच्छा नहीं है क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी भी स्ट्रेंजर को टच करूँ ऐसे, यू नो। हमें नो स्टेट टू गिव समवन अ मसाज। काफी मूड खराब हो रहा है। आई मीन आई कैनॉट लेट समबडी, आई मीन आई कैनॉट टच समबडीज फीट एंड डू दिस। पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। दिस इज अ बिट अ काइंड ऑफ अ पिस ऑफ फॉर मी। रोप को होल्ड करके उनके ऊपर चलते हुए उनको मसाज देना है। कॉल इज दैट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जॉब से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाखुश, पर जब गॉडफादर ने जॉब्स दिए हैं तो जॉब कैसा भी हो उन्हें करना ही पड़ेगा। हमको इतना कहा गया था कि मैनीक्योर पेडीक्योर का डिपार्टमेंट जो है वो सपना और हिना का है। वी वर हैप्पी। जब हम रेडी होने गए अपनी जॉब के लिए तो सपना ने मुझे बोला, हिना तू क्या करने वाली है? मैंने बोला मैं बिफोर आई कुड से आई एम गोना डू मैनीक्योर, तू पेडीक्योर करेगी। मुझे मालूम था कि डूड यहीं पे हमारी फाइट शुरू होती है, बिकॉज वो बंदी ऐसी है कि वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जो उसको चाहिए वो चाहिए। This is your manicure and pedicure area. सुपर ब्राइट्स को जॉब की ट्रेनिंग देने के लिए खुद आई हैं करेसा डे स्पा की ओनर स्पा एक्सपर्ट मिस रेखा चौधरी। ट्रेनिंग खत्म हुई और अब बारी है अपने अपने जॉब्स करने की। What do you have to get done? Wanna cut, file, a full entire manicure? मेरी जो क्लाइंट थी उसको मैनिक्योर चाहिए था। देखा तो बंदा बैठा हुआ है। I was like, dude, मैं इसका मैनिक्योर कभी नहीं करूंगी। उसके पैर देख के they were so hairy, his feet was so bad. I sat down. Let's see feet. आराम से जाना भाई। या जस्ट टेल मी अबाउट द प्रेशर। या देयर मोर प्रेशर ऑन द बम। मोर प्रेशर ऑन द बम। सो हाउ डू यू लाइक द प्रेशर? थोड़ा हार्ड रखना। थोड़ा हार्ड रखो। हां आई मीन फॉर मी टू गिव अ मैन प्रेशर इज नो, आई वोंट डू इट। बालों के साथ नहीं था, मतलब ही वॉज इन वेरी हैरी। अगर उसके बाल होते बैक पे तो मैं कभी छूता ही नहीं उसकी बैक। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्टिंग थिंग टू जस्ट टच समवंस बैक, जो एक पूरा स्ट्रेंजर है। आई फाउंड इट वेरी हार्ड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं कभी किसी को छूता नहीं हूँ ऐसे। मेरे को उसको छूना पड़ रहा था। आई हैड अ वेरी अगली फेस ऑन मी, बट आई डिड इट। आई डिडंट वांट टू बैक आउट, आई डिडंट वांट टू गिव अप ऑन इट। सो आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। पेडीक्योर, उसकी फुट मसाज वगैरह, पता नहीं क्या क्या मुझे करना पड़ा। आई वॉज डूइंग इट ऑल। इतना कचरा उसके पैर से निकला था, इतना कचरा जो आई थिंक जो मेरे घर के पीछे जो कचरा लोग फेंकते हैं ना पीछे वाले हिस्से में, उससे कंपेयर करो ना वो जगह साफ लगेगी, इतना कचरा। वो लोग बुलाए ऑर्डर देने उनके लिए, वेलकम जूस देने। आई वेंट इनसाइड, आई गेव माय बेस्ट। नेहा भी अपने जॉब से ना खुश थी, पर उन्होंने ईगो को एक किनारे किया और जॉब में सिंसियरिटी के साथ जुट गई हैं। हाउसकीपर, आई रिक्वायर सम वाटर। सर रेगुलर कोल्ड? रेगुलर कोल्ड सर। रेगुलर विल डू। रेगुलर मैम, थैंक यू। नेहा वाज अ हाउसकीपिंग गर्ल, तो वो बीच में आई थी मेरे यहाँ बेबी नॉक करके। शी वाज वेरी पोलाइट टू द क्लाइंट, पानी लाए उसके लिए। जब दूसरा हाथ निकालने को गई और जब पानी लेने को गई तो शी ड्रॉप्ड इट। नहीं, मैं जो हूँ ना मैं हमेशा करती हूँ। जहाँ ज्यादा देना वहाँ कम देना, जहाँ कम देना वहाँ ज्यादा देना। तू ओए ओए धीरे, यू गिविंग मी मोर पेन। ज्यादा दर्द मेरे को मत दे। वो काफी उसका काफी साइको लगा मुझे। ये नहीं वहाँ पे करो, उसको पता नहीं था उसको कहाँ पेन हो रहा था, कहाँ एक हो रहा था। ही कुड नॉट डिसाइड। वहाँ पे कम दे, बैक पे दादा, मैं वही तो बोल रहा हूँ तेरे को। सर
सर बैक पे आपने थोड़ा कम लीजिए। उसने मेरी सटकाई है, अगर वो मेरे को बाहर मिलेगा तो मैं उसको एक हाथ से पकड़ फेंक दूंगा। उसकी कोई औकात नहीं है मेरे से ऐसे बात करने की, बट आई वॉज एट अ जॉब तो मैंने अच्छे से बात किया, नहीं तो मैं दांत फोड़ के उसके डाल देता।